हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार एटीट्यूड यूपीएससी स्टूडेंट पे। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे थे वोकैब के बारे में, तो आज भी उसी को कंटिन्यू करेंगे और एडिशनल जानकारी तो आपके पास होगी ही, जैसे कि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और इससे पहले 5 क्लास हो चुकी है तो उसका प्लेलिस्ट बना है तो उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशन लाइन है कि परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ मैं, परीक्षा की ये तैयारी कर रहा हूँ मैं सिलेक्शन पाने के लिए, एक दिन मेरा नाम ही काफ़ी रह जाएगा इस जमाने के लिए। तो चलिए इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। कि आज का हमारा रूट वर्ड क्या है, आज का हमारा रूट वर्ड है कैली। आज का हमारा रूट वर्ड है कैली। कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, और कैली मीन्स ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर। एंड कैलीग्राफी, ग्राफी मीन्स होता है राइटिंग, ग्राफी मीन्स राइटिंग यानी कि लेख। तो कैलीग्राफी मीन्स हो जाएगा दी आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, यानी कि सुंदर हस्तलेखन की कला को कैलीग्राफी कहेंगे। एंड कैलीपेडिया, कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, एंड पेडिया, पेडिया मीन्स चाइल्ड, तो चाइल्ड मीन्स बच्चा, तो कैलीपेडिया मीन्स हो जाएगा सुंदर बच्चा पैदा करने की इच्छा। टू डिजायर टू बियर अ ब्यूटीफुल चाइल्ड। एंड नेक्स्ट है हमारा कैलीफोन, फोन मीन्स होता है साउंड, एंड कैली मीन्स ब्यूटीफुल, तो कैलीफोनी मीन्स हो जाएगा मधुर ध्वनि, यानी कि ब्यूटीफुल और इलेजेंट साउंड, यूफोनी, जिसको यूफोन कहेंगे। एंड अगला रूट वर्ड है हमारा डिस्पो, डिप्सो, डिस्पो नहीं, डिप्सो। डिप्सो मीन्स होता है एल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि शराब। एंड डिप्सोमैनिया, मैनिया मीन्स होता है ओवेशन यानी कि सनक। एंड डिप्सोमानिया, डिप्सोमैनिया मीन्स होता है शराब की लत, यानी कि एन अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहलिक ड्रिंक यानी कि शराब की लत। एंड है आगे हमारा डिप्सोफोबिया, फोबिया मीन्स होता है फियर यानी कि डर। एंड डिप्सो मीन्स एल्कोहलिक ड्रिंक, तो डिप्सोफोबिया मीन्स हो जाएगा शराब से डर, फियर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कि जिसको शराब से डर लगता है उसको कहेंगे डिप्सोफोबिया। यानी कि कैली मीन्स होता है ब्यूटीफुल, डिप्सो मीन्स एल्कोहलिक ड्रिंक, जो कि हमारा रूट वर्ड है। एंड नेक्स्ट है हमारा गैमी, गैमी मीन्स होता है मैरिज, यानी कि गैमी रूट वर्ड है मैरिज का, तो जहाँ पर गैमी दिख जाए वहाँ पर समझ जाएगा कि मैरिज से रिलेटेड बात हो रही है। तो चलिए यहाँ पे आगे हमारा है क्या मोनोगैमी, मोनो मीन्स होता है एक, वंस एंड वन, एंड गेमी मीन्स मैरिज, तो मोनोगैमी मीन्स हो जाएगा एक विवाह प्रथा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग वन लाइफ पार्टनर को कहेंगे मोनोगैमी। एंड बिगैमी, बाईगैमी, बाईगैमी मीन्स हो जाएगा, बाई मीन्स टू एंड गैमी मीन्स मैरिज, तो बाईगैमी मीन्स हो जाएगा दो विवाह प्रथा, यानी कि प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग टू लाइफ पार्टनर। एंड आ गया हमारा मीजोगैमिस्ट, मीजो मीन्स हो जाएगा हेट यानी कि नफरत, एंड गैमी, गैमी मीन्स मैरिज, तो मीजोगैमिस्ट मीन्स हो जाएगा शादी से नफरत करने वाला, को कहेंगे मीजोगैमिस्ट, यानी कि वन हु हेट्स मैरिज, जो शादी से नफरत करता है उसको कहेंगे मीजोगैमिस्ट। एंड आ गया हमारा फिलोगैमिस्ट, फिलो मीन्स हो जाता है लव यानी कि प्यार, एंड गैमी मीन्स मैरिज, तो फिलोगैमिस्ट मीन्स हो जाएगा शादी से प्यार करने वाला, यानी कि वन हु लव्स मैरिज, यानी कि जो शादी से प्यार करता है उसे फिलोगैमिस्ट कहते हैं, यानी कि जिसको शादी पसंद हो। एंड नेक्स्ट है हमारा इंडोगैमी, इंडो मीन्स होता है इंटरनल, एंड गैमी मीन्स मैरिज, तो इंडोगैमी मीन्स हो जाएगा अपने ही गुट या जाति विशेष में शादी करना, यानी कि मैरिज विद इन अ स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाई कस्टम्स। एंड आगे हमारा एक्सोगैमी, एक्सो मीन्स होता है एक्सटर्नल, इंडो मीन्स इंटरनल एंड एक्सो मीन्स एक्सटर्नल, और गेमी तो रूट वर्ड है मैरिज का, तो जहाँ पे इंडो गेमी रहेगा वहाँ पर हो जाएगा अपने ही गुट में या जाति विशेष में शादी करना। एंड एक्सोगैमी हो जाएगा, एक्सो मीन्स होता है एक्सटर्नल यानी कि बाहर, एंड एक्सोगैमी मीन्स हो जाएगा अपने गुट या गोत्र विशेष से बाहर शादी करना, यानी कि मैरिज आउट ऑफ अ स्पेसिफिक ग्रुप स्पेशली रिक्वायर्ड बाई कस्टम्स। एंड आगे हमारा हाइपर गेमी, हाइपर मीन्स होता है ज़्यादा, गेमी मीन्स होता है मैरिज, तो हाइपर गेमी मीन्स हो जाएगा
अपने से उच्च जाति वर्ग में शादी करना, यानी कि हाइपर गैमी मीन्स अपने से उच्च जाति वर्ग में शादी करना, यानी कि मैरिज इन अ हाइयर कास्ट और सोशल ग्रुप, ये को कहेंगे हाइपर गैमी। एंड नेक्स्ट हमारा हाइपो गैमी। हाइपो मीन्स होता है कम, लेस, एंड गैमी मीन्स मैरिज। तो मैरिज इन अ लोअर कास्ट और सोशल ग्रुप को कहेंगे हाइपो गैमी, मतलब अपने से नीचे जाति वर्ग में शादी करना। एंड आ गया हमारा ऑप्सीगैमी। ऑप्सी मीन्स होता है लेट, यानी कि देर से, एंड गैमी मीन्स मैरिज। तो ऑप्सीगैमी मीन्स हो जाएगा देर से शादी, यानी कि मैरिज लेट इन लाइफ। आगे हमारा ये तो हो चुका है, तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, आगे चलते हैं। और आगे हमारा डेमो, आगे का मतलब रूट है हमारा डेमो। तो डेमो मीन्स होता है पीपल, एंड डेमोफिलिया है, यानी कि फिलिया मीन्स लव। तो डेमोफिलिया मीन्स हो जाएगा प्रेम से भीड़ से प्रेम, यानी कि ऑफ फॉन्डनेस ऑफ फॉर क्राउड। एंड आगे हमारा डेमोफोबिया। डेमो मीन्स हो जाएगा पीपल, एंड फोबिया मीन्स डर, यानी कि फियर। तो डेमोफोबिया मीन्स हो जाएगा भीड़ से नफरत, यानी कि अ हेटर्ड फॉर पीपल। एंड आगे हमारा डेमोगोग्स, यानी कि डेमो मीन्स पीपल एंड एगोग्स मीन्स लीड, यानी कि नेतृत्व करना। तो डेमो एगोग्स मीन्स हो जाएगा भीड़ को झूठे वादे कर उन्हें प्रभावित करने वाला नेता, और लीडर हु कैन इन्फ्लुएंस पीपल बाय फॉल्स क्लेम एंड प्रॉमिस। एंड आगे हमारा डेमोफिलिया। डेमोफिलिया मीन्स हो जाएगा भीड़ से प्रेम, ये तो पहले ही हो चुका है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे भी रूट है हमारा डेमो, यानी कि पीपल। एंड डेमोफोबिया, फोबिया मीन्स फियर एंड डेमो मीन्स पीपल। तो डेमोफोबिया मीन्स हो जाएगा अ हेटर्ड फॉर पीपल। एंड आगे हमारा दो हो चुका है। आगे है डेमोटिक्स। तो डेमोटिक्स का मीन्स मतलब हो जाएगा द डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज रिलेटेड टू द केयर एंड कल्चर ऑफ द पीपल। एंड आगे हमारा डेमोग्राफी। डेमोग्राफी मीन्स हो जाएगा द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ, मैरिजेज, मोर्टेलिटी, हेल्थ एटसेट्रा, यानी कि जनसंख्यिकी। एंड आगे हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है शासन, एंड डेमो मीन्स पीपल। तो जहाँ जनता का शासन उसको डेमोक्रेसी कहेंगे, यानी कि लोकतंत्र। रूल्स ऑफ द पीपल को डेमोक्रेसी कहेंगे। एंड आगे हमारा पेंडेमिक। पेंडेमिक पेन मीन्स होता है ऑल, एंड तो पेंडेमिक मीन्स हो जाएगा महामारी, जैसे कि COVID-19, और डिजीज दैट स्प्रेड ओवर द होल वर्ल्ड को कहेंगे पेंडेमिक। इसका एग्जांपल हो जाएगा COVID-19। एंड इपिडेमिक। इपी मीन्स हो जाएगा अबव, अपॉन, ऊपर। एंड इपिडेमिक मीन्स हो जाएगा महामारी, जैसे हैजा, और वाइड स्प्रेड डिजीज अफेक्टिंग मैनी पीपल्स। एंड आगे हमारा इंडेमिक। इंडेमिक इंडो मीन्स हो जाएगा अंदर, इन एंड इंडेमिक मीन्स हो जाएगा जो बीमारी कुछ लोग या एक इलाके में हो, तो उसको कहेंगे इंडेमिक, यानी कि डिजीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप। एंड नेक्स्ट है हमारा चाइल्ड। नेक्स्ट रूट है हमारा चाइल्ड। तो चाइल्डिस। चाइल्डिस मीन्स हो जाएगा फुलस, यानी कि मूर्खतापूर्ण, बचकाना। एंड चाइल्ड लाइक मीन्स इनोसेंट, निर्दोष, यानी कि मासूम, बाल सुलभ। एंड ब्रेन चाइल्ड। ब्रेन मीन्स हो जाएगा दिमाग, एंड चाइल्ड मीन्स बच्चा। तो ब्रेन चाइल्ड मीन्स हो जाएगा किसी व्यक्ति की कृति, यानी कि द आइडिया ऑफ इन्वेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन। एंड आगे हमारा अल्टर। अल्टर मीन्स हो जाएगा अदर, यानी कि दूसरा। एंड अल्टरनेट हैपनिंग वन आफ्टर द अदर, यानी कि एक छोड़कर एक, उसको कहेंगे अल्टरनेट। एंड अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मीन्स हो जाएगा सब्स्टिट्यूट, यानी कि विकल्प। एंड आगे हमारा अल्टर। अल्टर मीन्स हो जाएगा दूसरा, यानी कि अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मीन्स हो जाएगा परोपकारी व्यक्ति, वन हु इज डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर
फिलेंथ्रॉप यानी कि गुड समेरिटन एंड विनोवलेंट काइंड। यहाँ आ गया हमारा एस्टर, एस्टर नहीं, आ गया हमारा एल अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन, अल्ट्रेशन मीन्स हो जाएगा स्मॉल चेंज यानी कि थोड़ा परिवर्तन। एंड आगे हमारा रूट है एस्टर, एस्टर मीन्स हो जाएगा स्टार एंड हेवनली ऑब्जेक्ट यानी कि तारे वो भौगोलिक पिंड। तो एस्टर यानी कि एस्टर हो जाएगा रूट हमारा तारा और हेवनली पिंड के लिए, यानी कि भौगोलिक पिंड और तारा के लिए रूट हो जाएगा एस्टर। तो एस्ट्रोनॉमी हो, नॉमी मीन्स हो जाएगा अरेंजमेंट, तो एस्ट्रोनॉमी मीन्स हो जाएगा खगोल विज्ञान यानी कि द साइंटिस्ट, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सब सन मून स्टार एटसेट्रा, उसी को कहेंगे एस्ट्रोनॉमी। एंड आगे हमारा एस्ट्रोलॉजी, लॉजी मीन्स हो जाएगा स्टडी एंड एस्ट्रो मीन्स स्टार या हेवनली ऑब्जेक्ट। तो एस्ट्रोलॉजी मीन्स हो जाएगा ज्योतिष शास्त्र, द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ स्टार्स ऑन लाइफ पीपल एंड इवेंट, तो उसी को कहेंगे एस्ट्रोलॉजी। एंड आगे हमारा डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स हो जाएगा तबाही यानी कि डिजास्टर मीन्स हो जाएगा इवेंट दैट काजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, तो उसी को कहेंगे डिजास्टर। एंड एस्ट्रोनॉट्स, नॉट्स मीन्स शिप और सॉइल यानी कि एस्ट्रो मीन्स स्टार एंड हेवनली ऑब्जेक्ट। तो एस्ट्रोनॉट्स मीन्स हो जाएगा अ पर्सन हु ट्रेवल टू स्पेस यानी कि अंतरिक्ष यात्री। एंड आगे हमारा डेक्स्टर, डेक्स्टर मीन्स हो जाएगा राइट हैंड यानी कि दाहिना हाथ। एंड डेक्स्टेरस मीन्स हो जाएगा कुशल, डेफ्ट, इफिशियंट, अडेप्ट, पास्ट मास्टर एंड वेटरन। एंड आगे हमारा एम्बिडेक्स्टोरस यानी कि एम्बी मीन्स बोथ यानी कि दोनों, एंड एम्बिडेक्स्टोरस मीन्स वन हु कैन यूज बोथ हैंड इक्वली वेल यानी कि जो दोनों हाथों से निपुण हो उसको कहेंगे एम्बिडेक्स्टोरस। एंड आगे हमारा एम्बी, एम्बी मीन्स बोथ यानी कि रूट है एम्बी, रूट है बोथ के लिए। एंड एम्बिगोस मीन्स हो जाएगा अनेकार्थ यानी कि स्पष्ट यानी कि हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग को कहेंगे एम्बिगोस। एंड आगे हमारा एम्बिवेलेंट, एम्बिवेलेंट मीन्स हो जाएगा एक ही समय में किसी के बारे में अलग अलग भावनाएं होना। एंड आगे हमारा एड्रॉइट, एड्रॉइट मीन्स का भी रूट होगा राइट हैंड के लिए। तो एड्रॉइट, एड्रॉइट मीन्स हो जाएगा स्किल्ड एंड क्लेवर यानी कि दक्ष। एंड आगे हमारा सिनिस्टर, सिनिस्टर रूट हो जाएगा लेफ्ट हैंड के लिए। तो सिनिस्टर मीन्स हो जाएगा अमंगल सूचक। एंड आगे हमारा एवी, एवी रूट हो जाएगा बर्ड के लिए। तो एवियरी, एवियरी मीन्स हो जाएगा प्लेस वेयर बर्ड आर कैप्ट यानी कि जहाँ पक्षी पक्षी पालन किया जाता है उसको कहेंगे एवियरी। एंड आगे हमारा एवियरिस्ट, एवियरिस्ट मीन्स हो जाएगा वन हु कीप बर्ड्स इन एन एवियरी यानी कि जो पक्षी पालन करता हो उसको कहेंगे एवियरिस्ट। एंड आगे हमारा एविकल्चर यानी कि एवी मीन्स बर्ड्स एंड कल्चर मीन्स पालन, ग्रोइंग और रियरिंग यानी कि एविकल्चर, एविकल्चर मीन्स हो जाएगा पक्षी पालन यानी कि रियरिंग ऑफ बर्ड्स। एंड आगे हमारा एविसाइड, साइड मीन्स हो जाएगा किलिंग यानी कि साइड रूट वर्ड है किल के लिए। एंड एवी रूट वर्ड हो गया वर्ड के लिए। तो एविसाइड मीन्स हो जाएगा पक्षी की हत्या, किलिंग ऑफ बर्ड। एंड आगे हमारा एविएशन, एविएशन मीन्स हो जाएगा विमान बनाने व उड़ाने का विभाग इत्यादि यानी कि द डिजाइनिंग बिल्डिंग एंड फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट। एंड आगे हमारा एविएटर, एविएटर मीन्स हो जाता है पायलट यानी कि हवाई जहाज चालक। एंड आगे हमारा ओवी, ओवी रूट वर्ड हो जाएगा एग के लिए। एंड ओवी पैरस यानी कि पैरस मीन्स प्रोड्यूसिंग यानी कि पैदा करना। तो ओवी पैरस मीन्स हो जाएगा स्पीसीज दैट ले एग्स यानी कि अंडर। एंड आगे हमारा वीवी, वीवी मीन्स हो जाएगा एलिव यानी कि वीवी पैरस जो प्रजाति शिशु को जन्म देता हो यानी कि स्पीसीज दैट गिव बर्थ टू यंग वंस। चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया हो। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो आज के लिए धन्यवाद।